निगरान वज़ीरे आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ाती रिहाइश का गुलबर्ग लाहौर में है। पर्सनल स्टाफ ऑफिसर उस्मान बाजवा ने खुश आमदेद कहा। दरवाजे पर खुद आकर खुश आमदेद कहा। घर की आराइश बहुत दीदा जेब है। एक सहाफी से निगरान वज़ीरे आला का सफर कैसे तय हुआ? क्या कभी बचपन में सोचा था कि एक दिन पंजाब के वज़ीरे आला बन जाएंगे? नहीं, जो ऐसा वज़ीरे आला का तो नहीं, अपना प्रोफेशन से ज़रूर प्यार किया था। और मैं तो हमेशा ये समझता था कि जर्नलिज्म में ही रहेंगे, लेकिन एकदम ऐसी सिचुएशन बनी कि फिर बनना पड़ गया। बचपन में वालदैन से महरूम हो गए, मामू और नानी ने पाला, किस चीज़ की महरूमी उस ज़माने में फ़ील करते थे? मामू ने और नानी ने मुझे पाला, इसमें कोई शक नहीं, और जिस तरह पाला बिल्कुल अपनों की तरह, लेकिन महरूमी तो रहती है जो मर्जी आप कह लें। वालदा की याद आती है? वालदा भी और नानी भी, ख़ास तौर पे क्योंकि नानी से मेरा बहुत प्यार था। क्रिसेंट मॉडल स्कूल शादमान, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर अमरीकी यूनिवर्सिटी में पढ़े, CNN में कैसे चले गए? CNN पे जाने का जो वाक़ है वो भी बड़ा थोड़ा एक डिफरेंस आया। मैंने CNN में जॉब अप्लाई नहीं की थी, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो मैंने किया, और जब मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम करके ख़त्म कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई जॉब वगैरह है, तो उन्होंने कहा नहीं, आजकल तो यहाँ पर लोग फारिग हो रहे हैं तो जॉब शॉब अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे इंटर्नशिप पर वहाँ बड़ा अच्छा टाइम रहा, और मैंने पाकिस्तान डेस्क पे उस वक्त काम किया, एक्चुअली साउथ एशिया का डेस्क होता था, तो वहाँ सारे लोगों ने काम देखा भी सारा कुछ। तो जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो उन्होंने वहाँ पे ख़ुद मुझे लेटर भेज दिया जॉब का, मैंने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, तो बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। CNN के पाकिस्तान में प्रोड्यूसर, फिर CNN साउथ एशिया के हेड बने, ये ख्याल कैसे आया कि अपना चैनल बनाना है? ये जब मुझे उन्होंने कहा कि वो अमेरिका आ जाओ, तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा नहीं, बेहतर है कि मैं यहाँ पे रह के अपना काम शुरू करूँ। और मेरे जहन में हमेशा से सिटी चैनल का कॉन्सेप्ट था, और था कि मैंने करना है, तो मैंने उस टाइम मुनासिब समझा कि ये बेस्ट टाइम है करने का। और उस टाइम पाकिस्तान में चैनल आ रहे थे और इंटरनेशनल चैनल्स फेड हो रहे थे, तो ये वही टाइम है जिस टाइम फिर मैंने ये कहा कि आई थिंक ये वक्त है जिस टाइम हमें कर लेना चाहिए। जिस वक्त मेरे सारे दोस्त फैमिली वाले सब ने पोस्ट किया कि ये सिटी चैनल ना शुरू करो, बिकॉज़ कौन देखेगा।